बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम दोपहर के टाइम से, और बस अभी हम लोग कहीं निकल रहे हैं घूमने के लिए। आंटी की फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है। और हमारी ये क्यूट सी गर्ल हो गई रेडी, सारी लड़कियां। सो पहले अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट करेंगे, उसके बाद यहाँ की कोई सी भी मार्केट हो। कौन सी मार्केट है आंटी? बेगमगंज। तो बेगमगंज जा रहे हैं और सिर्फ देखने जा रही हूँ अभी। तो वैसे ऐसे कुछ खास शॉपिंग वगैरह मुझे करनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर देख लेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे आंटी के, तो बच्चों को वहां पर बुला लेंगे। निक्की भी रेडी हो गई, आंटी भी रेडी हो गई, नमाज आंटी ने पढ़ ली है, तो बस अभी थोड़ी देर से हम लोग निकल रहे हैं। चलो निक्की बाय कर दो। बाय बाय बाय। तो यहाँ से ना निक्की के घर से मार्केट जो है ना वो बहुत पास है, और स्टार्टिंग में मैंने दो तीन दुकानें तो ऐसे ही देख ली थी वहां पे कपड़े वगैरह, और आंटी ने वहां से परचेज भी किए थे, बट थोड़ी सी भीड़ हो रही थी और हम कपड़े देखने में इतने मशरूफ हो गए थे कि हमने वीडियो ही नहीं बनाई। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना पहले मंगल मार्केट लगती थी, तो काफी बड़ी मार्केट थी, और आज मंगल है कि बुध, मैंने काफी टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो मैं टाइम भी भूल गई। यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, ये नहीं कि कपड़े ही मिलते हैं, हर चीज, अबाया ले लें आप, हिजाब ले लें, और बर्तन, क्लिप, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा पूरी मार्केट में। पहले तो गली में है ये मार्केट और बहुत ज्यादा रश होता था, इतना रश अब भी फिलहाल, फिर भी रश बहुत है, आज भी बहुत ज्यादा है। मैं और जितना हो सकेगा ना मैं आप लोगों के साथ में मार्केट की वीडियो शेयर करूंगी, बिकॉज मार्केट की वीडियो मैं यहाँ पर ना काफी दूर मार्केट है, और जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पर आंटी का घर भी ना मार्केट के बीच में है। तो अभी फिलहाल हम मार्केट देखते हैं। यहाँ पर बैग्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, निक्की से मैं मंगवा भी चुकी हूँ बैग, और अभी फिलहाल मैं ना बच्चों के लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी मैं तीनों के लिए एक से पर्स लूंगी, मतलब दो के लिए, रिदा के लिए और एमी के लिए। और यहाँ पर सबसे मैन क्लचर वगैरह बच्चों के आइटम्स इतने रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे ना कि बस मैं तो देख कर ना मेरा तो जी ललचाने लगा कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। ये हमारी निक्की खड़ी यहाँ के भाई साहब है। वाइट नहीं, अच्छा वो प्लान पूरा। और इस दुकान पे ना मुझे बहुत सारा सामान खरीदना था, ये दुकान निक्की की फेवरेट है, और सामान भी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा। मैं इतनी ज्यादा मशरूफ हो गई थी ना ये सारी चीजें देखने में कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, और मैंने काफी सारी चीजें खरीद ली थी यहाँ से, और जब मैंने अपना वॉलेट निकाला ना तो मेरा वॉलेट ही नहीं, तो मुझे फिलहाल वॉलेट निकालने के बाद मैंने अपना मोबाइल बंद किया, और हमने काफी टाइम तक ढूंढा लेकिन बट वो बिल्कुल एक बार चीज गई हुई तो मिलती नहीं है। और यहाँ पर फिर हम लोग हर थक कर आंटी के घर जा रहे हैं, और आपने देखा मार्केट के मैन मार्केट में ही। तो हम पहुंच गए आंटी के घर, और ये सामने आपके जो बैठी है वो आंटी की बहू है, और जो पिंक कलर का सूट पहने है ना वो आंटी है, मतलब निक्की की सास की फ्रेंड। और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरी दावत की थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पर आई, लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। ये 500 लेकर के चले करने 1500 में हुआ हुआ, फिर जो है डॉक्टर हमको पनीर बताए थे, आए कहने लगे कि जो है क्या नाम पनीर ले लिया, पनीर कहने ले या जो है क्या नाम और ले ले घर में पकाने के लिए मटर पनीर। जब आए तो देख रहे हैं कि 1 किलो की पनीर पन्नी गिर गई, फिर दोबारा गए वापस, नुकसान पे नुकसान। हाँ।
और सच्ची बताऊं बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छा से सब कुछ नाश्ता वगैरह काफी सारा नाश्ता वगैरह लगाया था। और यहाँ पर हम लोग बस वही बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बता रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। अच्छा ये स्काई ब्लू सूट पहने ना वो इनकी लड़की है, अच्छा मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई और आप लोगों को बता भी नहीं पाई। आप लोगों को पता है मूड जब खराब होता है ना तब फिर वीडियो वगैरह सभी भूल जाते हैं। और फिर यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हुई थी, सब लोग नए थे तो उनसे ज्यादा मुलाकात के लिए मैं ना अपना कैमरा जो है ना वो बंद ही रखे थी, तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई। और काफी बड़ा घर है और काफी लोगों से हम मिले थे यहाँ पर, लेकिन रात इतनी ज्यादा हो चुकी थी ना कि सब लोग सोने लगे थे और कोई क्या सोचता, इसलिए मैंने ना ज्यादा वीडियो नहीं बनाई सब। लेकिन मैं सबसे मिली और काफी सारे लोग जो है ना यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। एक टाइम को तो मैं खैर भूल ही गई थी। और यहाँ पर कॉफी बना रही हैं और माशाल्लाह से कॉफी इतनी ज्यादा प्यारी बनी थी ना, इतनी ज्यादा टेस्टी थी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं कॉफी वैसे पीती नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कॉफी पी चुकी थी। अच्छा अभी हम इंतजार कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो आंटी बोल रही थी नहीं उनको भी बुलाओ और हमें यहाँ से निकलकर ना मॉल जाना था, बट मॉल का तो बिल्कुल मूड ही खराब हो गया था। अच्छा एक को तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पर चार पांच डिपार्टमेंट से हैं, मतलब ऊपर ही सबके कमरे अलग अलग है, उसमें किचन लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है। और ये बाहर का नजारा है और यहाँ से ही पूरी मार्केट दिखना स्टार्ट हो जाती, मतलब नीचे भी मार्केट है। ये है हमारी आंटी की सारी फ्रेंड है, ये उनकी लड़की है ना, तो इनकी बेटी है। हाँ तो मैं आई हूँ इन सबसे मिलने, ये आंटी है, ये आंटी की फ्रेंड्स। हाय कर लो सब लोग, से हाय हाय। हमने काटी उसने हाथ पकड़ लिया, बहुत से ऐसे भी पड़ जाते हैं। एक वीडियो आई थी, अरे गेम चलता है भैया लोग, एक वीडियो आई थी तो वो आमने सामने वाले दोनों ही चोर थे, उसने काटा उसने हाथ पकड़ लिया, कह लगे बेटा हम भी तुम्हारी गैंग के लाओ पैसे मालूम है, सिखाया जाता है। चलो बच्चों को नहीं लेंगे यार, बच्चे हो जाते बच्चों को, हाँ बच्चों की भी जी बहुत कहते हैं कि बच्चों को ध्यान रखो नहीं तो तुम तो बच्चे भी खो दो। आयु खो जाती है, आयु और एमी खो जाती है ना एमी, बहुत किडनैपिंग वाला गेम खेलती हैं। नहीं कोई नहीं कोई कौन है दीदी फोटो आ रही समझ लो आयत को खिलाओ उधर निक्की बुला, निक्की आओ आयत जाओ तो इनका नाम गुलाब्स है, इनको तो वहां से आने के बाद यहाँ पर हम एक रुके थे शॉप पर जो कि भाई की फ्रेंड की शॉप है, और माशाल्लाह से बहुत ही धमाल कलेक्शन था यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं हर कलर हर डिजाइन और न्यू पैटर्न के डिजाइनर सूट यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगे। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कानपुर गई हूँ और ये शॉप बहुत ज्यादा फेमस शॉप है, और आप लोग अगर यहाँ पर आए विजिट करें यहाँ पर तो ये है दुकान का नाम अवॉन रायमंड्स कलेक्शन। और बहुत अच्छे से ट्रीट किया इन्होंने, भाई के फ्रेंड थे और ये बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आई, काफी रोक भी रहे थे वो, ऊपर इनका घर भी है स्टिचिंग, और ये खुद का ही सारा काम वगैरह करते हैं यहाँ पर, स्टिचिंग वगैरह ये सारी चीजें इनकी खुद की बनाई हुई है, मतलब इनका खुद का पूरा कारोबार है। तो अगर आप लोग यहाँ से लें तो जरूर यहाँ पर आए, आप लोगों को अगर हैवी कलेक्शन चाहिए हो तो सब कुछ बहुत अच्छा सा हैवी से हैवी कलेक्शन भी मिल जाएगा। अभी तो मैंने फिलहाल हैवी
और ये ना मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया था, बस मैं दुकान पर गई थी और मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कानपुर के लोग हैं और आ सकते हैं, यहाँ से विजिट कर सकते हैं, बस इतनी ही बात थी। और अभी हम चलते हैं अपने घर, काफी अच्छा लगा यहाँ पर सब कुछ देखकर मुझे तो। और अब जो कुछ हुआ वो तो खैर हुआ और बहुत मजा आया, बच्चों को तो इतना ज्यादा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, आयत एमी, और इतना ज्यादा उधम मचा रहे थे ना यहाँ पर। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से, कितना सामान लेकर आए, बहुत सारा सामान लेकर आए, ये हम पोनी लेकर आए हैं 3000, नहीं एमी बैग लेकर आया हूँ, बैग एमी का बैग दिखाएं, बैग लेकर आए हम, कितना सस्ता ये लेकर आए हैं, एमी का बैग है 2500 का, और मम्मी तो पैसे चोरी हो गए थे, मैंने ओनली ये बैग लिया, दो तीन चिमटी ली है 10-10 रुपए की ओनली, और इसमें मैंने इसकी और मैं बहुत सारी चीजें लेने गई थी, तो मैं बहुत और बस दो दुकानों के बाद तीसरी दुकान पर हो गई मेरे पैसों की चोरी, कुछ भी नहीं खरीद पाए, कोई मार्केट नहीं करी हमने, पूरी मार्केट में बस अपना वॉलेट ढूंढती रही हूँ मैं, मेरा पूरे पैसे चले गए जितने भी मैं लेकर आई थी, और जहाँ जहाँ रखे थे मैंने जोड़ जोड़ के सारे पैसे मेरे आज चले गए, कोई शॉपिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची थी यहाँ से लेकर जाऊँगी मैं, और घर वालों के लिए मतलब रिदा है, एमी, जीनू, हमारी आयत, नूर, मैं बच्चों के लिए लेने ही आई थी शॉपिंग, इनफैक्ट मैं बस सिर्फ बच्चों की, और एक आध कपड़ा अपने लिए लेती तो लेती, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं लिया, बस जो था पैसा मेरे पास वो सारा चला गया। बहुत देर बाद ये वीडियो बना रही हूँ मैं, आने के बाद हिम्मत करके मुस्कुरा रही हूँ आपके सामने, क्योंकि पहले तो मुझे मुस्कुराहट ही नहीं आ रही थी, बट ठीक है शायद यही अल्लाह को राजी। कैसा लगा, कैसे चोरी हुए मेरे पैसे, निक्की के भी एक बार पैसे चोरी हो चुके हैं, बैग के साथ, मेरा भी बैग के साथ ही चोरी हुआ, बहुत भीड़ थी हाँ, और हमने थोड़ा इनकी चैन खुली थी, इनका बैग का लॉक भी खुला था, और ये बड़े आराम से चीजें देख रही थी और गायब हो गया, उसके अंदर से किसी ने वॉलेट ही निकाल लिया इनका, जिसमें पैसे थे इनके। आप लोगों को अगर मिले तो जरूर मैं थंबनेल पे डालूंगी, मेरे बगल में एक हिजाब वाली औरत थी, देखो बस इतना सही सामान आ चुका। अच्छा ऐसे ज्वेलर का वॉलेट था मेरे पास जिसमें ज्वेलरी आती है ना, छोटा सा बॉक्स था मेरे पास, बैग था, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे, ठीक है अब हो गया तो हो गया, आपको लोगों को पता है मेरा बहुत ज्यादा बहुत नुकसान हो चुका है, एक बार नहीं दो बार नहीं, ये मेरे बार कई बार हो चुका है, मेरी ज्वेलरी भी पूरी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो भी मेरी चली गई, मेरी बाइक थी वो भी चोरी हो गई, और थोड़ी छोटी मोटी चोरी भी हुई है 500 की 200 की, ऐसे पैसे मुझसे कभी गिर भी जाते थे, लेकिन आज तो मेरे पूरे 2500 रुपए जो थे ना, जो मैंने बहुत टाइम से मतलब निम्रा की शादी के बाद से मैंने जोड़े थे, और बस चोरी हो गया, कुछ शॉपिंग नहीं करी, यहाँ तक कि दो तीन जो चिमटियां ली थी ना 10-10, 20-20 रुपए की, वो भी मैं फिर इसने अपने पैसों से मुझे दिलाई, क्योंकि वो मैंने खरीद ली थी, बस फौरन मैंने पैसे देने के लिए अपना वॉलेट चेक करा, जो बड़ा वाला उसमें वॉलेट नहीं छोटा वाला, तो यहाँ पर कानपुर में अगर कोई भी शॉपिंग करें तो प्लीज सारी अपने वॉलेट का बहुत ख्याल रखें, छोटा वॉलेट लेकर आएं, बड़ा वॉलेट बिल्कुल भी नहीं लाएं, एक ही वॉलेट में पैसे रखें और थोड़े रखें, 500 रखें या क्रेडिट कार्ड यूज करें, इससे 500 या 1000 से ज्यादा पैसे नहीं डाल के चलें, नहीं तो ठीक है, अभी मुझे इतना ही आ रहा है समझ में, आगे आएगा तब मैं घर जाके आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी,
यहाँ सब लोग हैं तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रही हूँ बोलने में। बाहर सब लोग सोचेंगे कि मैं अपने पैसों का रोना रो रही हूँ, बट अब खो गए तो दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे मेन बात कुछ भी नहीं खरीद पाई, जाते साथ ही मेरा पर्स चोरी हो गया। ओके, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। आज का दिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और ऐसा दिन किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ठीक है।